जनता का झुकाव बढ़ा, तमाम वादे किए मोदी जी ने झूठे, लोगों को लगा कि हो सकता हो कुछ अच्छा हो जाए, लोग गए, लोग भारी मात्रा में निराश हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो प्रेम का संदेश दिया है पूरे देश को, वो गौतम बुद्ध के बाद किसी बड़े व्यक्ति ने पहली बार इस तरह का काम किया है। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जितना ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश पर उतना ध्यान कांग्रेस फिर नहीं दे रही। वो ऐसे सब नारे हैं जो राम को लाए, राम को क्या लाएंगे, राम तो यहाँ पर हमारे साहित्य में, इतिहास में, किताबों में हजारों साल से हैं। अमित शाह के जन्म से पहले से राम है यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। लखनऊ में इस समय मौजूद हूँ और आज बातचीत करूँगा 23 जून को जो बैठक होनी है 15 विपक्षी दलों की पटना में, नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। बार बार मैं पिछले कई महीनों से आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव की बातचीत हम लोग लगातार कर रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके का गठबंधन तैयार होगा, क्या कोई तीसरा मोर्चा बनके तैयार होगा या कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब वहाँ पर बिहार में, पटना में सभी पार्टियाँ वहाँ पहुँच रही हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी वहाँ पहुँचेंगे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम नेता वहाँ पहुँचेंगे। क्या बातचीत वहाँ होगी, क्या निर्णय निकल के आएंगे, उस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी चैनल पर। धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्योंकि अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश जी भी वहाँ पहुँचेंगे, राहुल जी भी वहाँ पहुँचेंगे, तो क्या कुछ अब बातचीत हो पाएगी क्या? देखिए, पूरे देश में जितने भी विपक्षी दल हैं, जितने भी सामाजिक न्याय पसंद वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं, जितने लोग भी समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन से मुक्ति के लिए सब एकजुट हो रहे हैं। सभी पार्टियां एक साथ खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए काम कर रही हैं। इसकी अगुवाई नीतीश जी और तेजस्वी जी ने पटना में जो बैठक रखी है उसमें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्षरण हुआ है, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास किया गया है, लोकहित से जुड़े हुए मामलों को लटकाया गया है और बद इंतजामी की वजह से यह देश विपरीत परिस्थितियों में फंसा है, तो कांग्रेस का ये मानना है कि सभी समान विचारधारा वाले दलों को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। उसी की बातचीत जब नेता बैठकर करेंगे उसका हल निकलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि 80 लोकसभा सांसद उत्तर प्रदेश दिल्ली भेजता है, तो सभी पार्टियां लगातार ये बात करें, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, कि जो पार्टी जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव उस राज्य में लड़ा जाए। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में मजबूत हैं, बिहार में नीतीश तेजस्वी हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हैं, तो क्या इस पर कोई समझौता होने की गुंजाइश? अगर इस पर समझौता होगा तो क्या अखिलेश जी और राहुल जी फिर साथ आएंगे 2017 की तरह? देखिए, बात सिर्फ अखिलेश जी की और राहुल जी के साथ आने की नहीं है। जब संयुक्त विपक्ष एक साथ मिलकर लड़ेगा तो ऑब्वियसली ये बात सही है कि जो जहाँ पर मजबूत होगा वो ज़्यादा सीट शेयर करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई दल उसमें आपस में झगड़ा करेंगे कि हम पूरी सीट पर लड़ें। भाई, हम एक गठबंधन करने जा रहे हैं, एक साथ लड़ने जा रहे हैं, एक समान मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं। संयुक्त विपक्ष का एक प्रत्याशी होगा, नीतीश जी का यही कहना है, तो फिर उसमें जहाँ तक सिंबल का बात है तो सब एक साथ बैठेंगे, तय कर लेंगे कि कौन किस जगह पे किस सिंबल से ज़्यादा उपयुक्त होगा। भारतीय जनता पार्टी तो यही बार बार फैलाने का प्रयास कर रही है ना कि विभिन्न दल हैं, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। अब सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी इतने दलों का गठबंधन है। अभी उन्होंने जब ये उद्घाटन किया था संसद भवन का, तो उसमें जारी किया था कि इतने दल जो भाजपा के साथ हैं वो आ रहे हैं। हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे दलों का भी नाम बताया था जो चुनाव भी नहीं लड़ते हैं, वो भी दल उनके साथ हैं। तो
हम विपक्ष के लोगों का ये मानना है कि हमारे लिए मुद्दे सर्वोपरि हैं और भाजपा के खिलाफ जो जनता का आक्रोश है उसको एक जगह पर इकट्ठा करके उसके खिलाफ उसका प्रयोग करें। मुद्दे ही सर्वोपरि रहेंगे, चेहरा कोई सर्वोपरि नहीं, या फिर सीट शेयरिंग का कोई मुद्दा बाद में अटकेगा नहीं। जब हम सब एकजुट होकर लड़ेंगे तो हम सबका प्रयास रहेगा कि ऐसा ही प्रत्याशी उतरे जो भाजपा को हरा दे, उसमें फिर विवाद किस बात का होगा। जब 2024 लोकसभा की बात करते हैं तो मैं बार बार क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात इसलिए करूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं, तो अमित शाह ये ऐलान कर चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 से राम मंदिर का जो दर्शन शुरू हो जाएंगे, तो कैसे राम से कैसे लड़ाई, क्योंकि 1992 में राम राजनीति में आए और उसके बाद से भाजपा ने उस पर कब्जा किया और राम की लहर और भाजपा की लहर ऐसी रही कि 2014 से लगातार जीत हो रही है। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, सरकार कोई भी सरकार हो, जनता के सवालों, जनता के मुद्दों और जनता के लिए आती है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि ध्रुवीकरण करने का, जो आप कह रहे हैं, लेकिन क्या जो विपक्षी दल हैं जिनकी बात हम अभी आपसे पहले किए, क्या उन दलों की सोच इस देश में धर्म के खिलाफ है? क्या वो लोग इस देश में अन्य लोगों के विचारों को नहीं साथ देते हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर राम तो उनके साथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हम तो कभी अमित शाह को राम की पूजा करते हुए नहीं दिखा हूँ। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कौन कहता है? वो ऐसे सब नारे हैं, जो राम को लाए वो राम को क्या लाएंगे? राम तो यहाँ पर हमारे साहित्य में, इतिहास में, किताबों में हजारों साल से हैं। अमित शाह के जन्म से पहले से राम है यहाँ पे। राम बेघर हो गए थे, घर बनवा रहे हैं। अरे भैया, जब सबके दाता वही है तो बेघर कैसे हो जाएंगे? हम लोग जाते हैं राम के मंदिरों में, पूजा पाठ करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जगदीश्वर हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि राम को हम लाए हैं। इसका मतलब भगवान हैं, अगर वो राम बड़े हैं तो उसको अमित शाह कैसे ला देंगे, मोदी कैसे ला देंगे? लेकिन जनता क्या इस बात को समझ पा रही है? मेरा सवाल यही है, क्योंकि राम के मुद्दे पे लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे और राम के मुद्दे पे। तो जब दर्शन लगातार चालू हो जाएंगे, बसें, बात ये हो रही है कि बसें भिजवाई जाएंगी, फ्री में दर्शन करवाए जाएंगे, तो उससे कैसे लड़ पाएंगे आप फिर? उससे लड़ना क्या है भाई, लोग दर्शन करेंगे, वोट देंगे इसके खिलाफ, वोट देंगे, जाएंगे, सद्बुद्धि मिलेगी भगवान के दरबार में। भाई तो भाई ईश्वर तो सबके साथ न्याय करता है ना, तो जो लोग झूठ बोलने वाले हैं, जो गलत काम करने वाले लोग हैं, वो लोगों को रास्ता सही दिखाएंगे। वो ये यहाँ ना जाओ, जाओ विपक्ष के लोगों के साथ वोट करो, भाजपा को हटाओ। अगर उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि 1 सांसद 2 विधायक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के हैं। तो 2024 में किस तरीके से क्या बातचीत होगी, किस तरीके से संगठन बनाने की तैयारी चल रही है और कैसे लड़ा जाएगा फिर? अभी देखिए, हमारा संगठन है पूरे प्रदेश में, कम मत मिले, कम सीटें मिली हमको, लेकिन आने वाले चुनाव में जिस तरीके का दौर चल रहा है, भाजपा के खिलाफ जिस तरह से जनमानस के अंदर एक उत्तेजना आई है और लोग भाजपा की नीतियों को समझने लगे हैं, तब से वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जो प्रेम का संदेश दिया है पूरे देश को, वो गौतम बुद्ध के बाद किसी बड़े व्यक्ति ने पहली बार इस तरह का काम किया है। उससे लोगों के अंदर एक चीज़ें स्पष्ट हुई हैं कि यह देश प्यार का देश है, नफरत से इस देश को नहीं चला सकते हैं। उन्होंने सच से रूबरू कराया इस देश के लोगों को। सच्चाई यही है कि इस देश में लोगों के में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एकजुटता है। भारतीय जनता पार्टी उसी एकजुटता को विखंडित करती है, उसी प्रेम को नफरत में तब्दील करती है। लोग भाजपा के जो नफरत भरे कारनामे हैं उससे उब गई है और वो नए तरीके से इस देश को फिर पुनर्संगठित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से मुक्त होकर पुनः एकता, अखंडता, भाईचारे, प्रेम, सौहार्द की ओर बढ़ रहे हैं जनता। कांग्रेस को लोग समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कई लोग नाराज दिखाई देने कह रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, कांग्रेस से राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, दोबारा लौटे नहीं।
2022 में प्रियंका गांधी प्रभारी थी, प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, 2022 का चुनाव हारी, उसके बाद प्रियंका गांधी भी कोई उस तरीके का दौरा प्रियंका गांधी का भी नहीं हुआ अभी तक? ऐसा नहीं है, हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, वो पूरे देश में घूमे, वो तो गांव गांव गली गली घूमे। अब कोई ये कहे कि अमेठी में नहीं, अमेठी में भी 3-4 बार गए वो। अब जब किसी बड़े कार्यक्रम में वो निकले हैं, सबके पास 365 दिन है, वो अमेठी भी जाते हैं, वो वायनाड भी जाते हैं, वो मध्य प्रदेश भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश भी जाते हैं, वो तो कश्मीर तक लाल चौक तक गए। कोई ना उनके लिए बंदिशें थी और ना ही उनका कोई दायरा खींच के आए थे। तो ये कहना कि अमेठी नहीं आ रहे हैं, ये लोग भाजपा के लोग प्रचारित करते हैं। नहीं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जितना ध्यान देना चाहिए उत्तर प्रदेश पर उतना ध्यान कांग्रेस फिर नहीं दे रहे। अब संगठन के लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारा पूरा संगठन है, काम तो कर ही रहा है। प्रियंका जी लगातार चुनाव तक यहाँ पर थी, चुनाव के बाद भी वो संगठन में तमाम जो कार्यक्रम हैं, जो नीतियाँ हैं, सब पर वो लगातार लोगों के संपर्क में रहती हैं, बातचीत करती रहती हैं उन्होंने। अब जहाँ तक कार्यक्रमों की बात है तो लगातार चुनाव चल रहे हैं, कई संगठन का निर्माण चल रहा है, तो और जगहों पर भी जाना होता है, उसलिए वहाँ भी जा रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। 2023 तारीख की मीटिंग के बाद, हालांकि इस पर बातचीत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी 2024 में क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में, बार बार उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 80 सीटें हैं, और क्या लग रहा है 80 में से कितनी सीटें भाजपा को हराई जा सकेंगे, विपक्ष कितनी सीटें लेके आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, जो मेरा अनुमान है, अगर सब लोग जनता मन बना लेगी तो यही भारतीय जनता पार्टी, असल में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने बहुत मजबूत समझ रखा है। यही भारतीय जनता पार्टी 2012 के चुनाव में 10 सीट भी नहीं जीत पाई थी। यही भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में हालात ये थे कि 12% 13% वोट ले आती थी। जनता का झुकाव बढ़ा, तमाम वादे किए मोदी जी ने झूठे, लोगों को लगा कि हो सकता हो कुछ अच्छा हो जाए, लोग गए। लेकिन लोग भारी मात्रा में निराश हैं, राजनीति बालू मुट्ठी में जिस तरह से आप बालू लिए रहते हैं वो गिर जाती है, पता नहीं चलता है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा के हालात होंगे। भाजपा यहाँ पर मुझे लगता है कि सबसे, अपने गठन के बाद सबसे बुरे दौर में रहेगी इस बार चुनाव में। अच्छा, नीतीश जी बार बार लगातार ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा उतना महत्वपूर्ण नहीं, प्रधानमंत्री कौन बनेगा वो महत्वपूर्ण नहीं, भाजपा को हराना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछले 2 चुनावों में लगातार ये सवाल पूछा गया कि मोदी नहीं तो कौन, तो क्या जवाब देंगे फिर उसका इस बार? देखिए, मोदी नहीं तो कौन, ये तो एक तरह से एनआरकी वाली भाषा है भाजपा के अंदर। नहीं, मीडिया सवाल पूछ रही है तो मीडिया, मीडिया देखिए, मीडिया का जो बहुसंख्यक हिस्सा है वो भाजपा का सवाल पूछता है विपक्षी दलों से। मेरा ये कहना है कि हमने संसदीय प्रणाली अपनाई है, हम लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा उसका चुनाव होता है कि संसदीय दल का नेता कौन होगा। ये तो इधर के दिन में टीवी और उसके माध्यम से चेहरा आगे करके लोग लड़ने लगे। ये बात अब लोगों को समझा पाएंगे कि नहीं, कि मोदी नहीं तो राहुल गांधी, या मोदी नहीं तो प्रियंका गांधी, मोदी नहीं तो नीतीश कुमार, मोदी नहीं तो अखिलेश यादव? हम तो ये समझाने में सफल हो हैं कि मोदी ही सभी समस्याओं का जड़ है, तो लोग इलाज करेंगे अपना। समझिए, वो तो अपनी बात बताने में सफल है कि हमने 370 हटाया, 3 तलाक को हटाया, उसके बाद तमाम चीज़ें जो भी, वो 5 किलो राशन को अपना बता दे रहे हैं, आप अपना कुछ बता ही नहीं पा रहे, वो छोटी छोटी चीज़ें बता के चले जा रहे हैं। नहीं बता रहे हैं, हम भी तो बता रहे हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं क्या? फिर क्यों जान रहे हैं, तभी तो कर्नाटक में भाजपा हार गई, जान रहे हैं तभी तो कर्नाटक में हार गई, वहाँ तो तमाम चीज़ें और भी वो बातें कर रहे थे। वहाँ तो हमारी पार्टी ने कहा कि बजरंग दल को हम बैन कर देंगे, तो बजरंग बली के बारे में वो लोग बयान करने लगे भाजपा वाले, लेकिन तब भी तो हम वहाँ पर जीते। ये सच को आप छुपा नहीं सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस कट्टर अपने विचारों को लेकर आई थी उसको भी वो लागू नहीं कर पाई, कर भी नहीं सकती है। CNRC के मसले पे उन्होंने पूरे देश में आंदोलन हुआ, वो जोर शोर से फैलाए, क्या हुआ उसका नतीजा? जम्मू कश्मीर के सवाल पे आप देख लीजिए, 370 हटाने के बाद बहुत जोर शोर से लोग कहते थे कि वहाँ जमीन लिया हो जाएगी, सब लोग जाके बस जाएंगे,
अरे उसकी भौगोलिक स्थिति देखिए, 10% ही वहाँ पर उपजाऊ ज़मीनें हैं, रहने लायक जगह है, कितने लोग जाकर वहाँ बस गए। अब कोई कहे कि पूरा उत्तरी ध्रुव खाली है और पूरी जनसंख्या आगे के हम कब्जा कर लिए, बस जाए तो पहुँच के बस जाएगी लोग। भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों और सवालों को प्रमुखता से आगे करती है जिसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हों, और भावनात्मक रूप से उसको आगे करके लोगों की जो दैनिक दिन की समस्याएं हैं और जो लोगों की वास्तविक समस्याएं हैं उससे भटका देती है। लेकिन आखिर में कब तक भारतीय जनता पार्टी को लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नहीं आएगी। अच्छा, 23 तारीख की जो बैठक है उसमें आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी वहाँ मौजूद रहेंगे। कई लोगों का ये मानना है कि आम आदमी पार्टी का जन्म कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए हुआ, चाहे हम गुजरात में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, चाहे पंजाब में जो स्थिति हुई, तो क्या कोई समझौता आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से फिर हो पाएगा जब वहाँ मीटिंग में मौजूद रहेंगे तो? ये समझौता ही कांग्रेस के साथ नहीं होना है, ये समझौता तो वहाँ मौजूद रहेंगे, ये समझौता सबके साथ होना है। अब केजरीवाल जी अगर वहाँ रहेंगे तो क्यों, हमको क्या आपत्ति है, सबके साथ होना है। लेकिन मानना तो सबका यही है कि केजरी मतलब चुनाव जो है कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ा, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी छतरी है, बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तो यही कह रही है ना कि भाजपा को हटाने के लिए जो भी लोग एक साथ खड़े होंगे उसके साथ कांग्रेस है, तो आए सब लोग, आए सबका स्वागत है। तो आप लेकिन ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बी टीम की तरह काम कर रही है, कांग्रेस को हराने के लिए काम कर रही है। अरे भाई हम कहने को तो हम बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने को तो केजरीवाल जी भी बहुत कुछ कहते थे। केजरीवाल जी तो पूरा एक पर्चा लेके घूमते थे पूरे देश में, किसी नेता के बारे में वो नहीं कहते थे कि ये ईमानदार है। उन लोगों से भी केजरीवाल जी जाके मिल रहे हैं जिनको भ्रष्टाचार की जननी कहते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अन्य विपक्षी दलों की तरह ही उनके साथ भी व्यवहार हुआ, तो जब ही जागा तभी सवेरा उनको लगा कि नहीं गलती हो गई है। भाई केजरीवाल ने तो गलती ही स्वीकार करने के लिए पूरे देश भर घूमे हैं ना। भाई मुलायम सिंह जी के यहाँ गए, उनकी भी सूची में उन्होंने नाम डाल रखा था कि भ्रष्ट नेता हैं। लालू जी के यहाँ गए, उनका भी नाम डाल रखा था, पूरे देश के सभी नेताओं के बारे में कहते थे इसी तरह से। लेकिन उनको भी बाद में लगा कि नहीं वो गलत हैं, असल में जो लोग बेईमान लोग तो अलग जगह बैठे हैं, वो तो संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा करके और तमाम अलोकतांत्रिक कार्य कर रहे हैं, और केजरीवाल जब खुद जद में आ गए हैं उसके। तो मेरा कोई से ऐसा नहीं है कि भाई मतभेद हमारे 99 बिंदुओं पे हो सकते हैं, सहमति कोई एक बिंदु अगर है तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। हम एक असहमति से सभी सहमतियों को खारिज थोड़े नहीं कर सकते हैं। अभी समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार 24 के चुनाव में सब एकजुट होकर लड़कर उसको हराकर उसको घर नहीं बैठा देंगे तो कई गैर लोकतांत्रिक कार्य करेगी जिससे जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और एक बतौर राष्ट्र भारत के लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि तमाम हमारे छोटे मोटे मतभेद होंगे उसको बुला के हम लोग फिर लड़ेंगे। भाई मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल जातिगत जनगणना की बात करें, कई पार्टियां जातिगत जनगणना की बात कर रही हैं, कितना बड़ा मुद्दा ये आगे आने वाले 2024 के चुनाव में बन पाएगा, क्योंकि ये ओबीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ओबीसी इस देश की राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका रखता है क्योंकि गिनती में ज़्यादा है और जो कि अभी भाजपा का साथ कई राज्यों में दे रहा है, तो कितना बड़ा क्या ये चुनावी मुद्दा कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इसको बना पाएंगे? ये मुद्दा ही जनता का है। जनता कोर्ट में जाती है, उससे कोर्ट पूछता है कि आपकी संख्या बताइए, जनता किसी चुनाव में इसका असर होगा कि नहीं? बहुत होगा, क्यों असर नहीं होगा भाई, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो नहीं देंगे तो असर होगा ना। ये जातिगत जनगणना कराना किसी नेता की मांग नहीं है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग है। वो लोग रोज़ दो चार होते हैं इन सवालों से कि आपकी आबादी कितनी है, ये तय नहीं हो पाता है कि इस देश में किसकी कितनी संख्या है, कितनी उसकी हिस्सेदारी में भागीदारी होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोगों की एक आम धारणा मजबूत हुई है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ चंद लोगों की पार्टी है और चंद लोगों के लिए काम कर रही है, इसीलिए बहुसंख्यक आबादी के लोगों के अंदर ये जिज्ञासा जगी है कि हमारी संख्या बताइए और हम फिर देखें कि इस देश के संसाधनों में, इस देश की नौकरियों में, इस देश के हर जगह हमारा कितना भागीदारी है। भारतीय जनता पार्टी बहुत गलत काम की है अपने सरकार में कि जो नौकरियां लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी
उसको लेटरल एंट्री से करा दे रहा है, वहाँ आरक्षण लागू नहीं है। जो समूह ग और घ की नौकरियाँ हैं जिसमें पिछड़े और दलित वर्ग के बहुसंख्यक लोग आते थे, उन पदों को ठेके पे कर दिया, ठेके में कंपनी में जाते आरक्षण लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी एक एक करके पिछड़ों को उनके अधिकारों से वंचित कर रही है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि हम पता करें कि हमारी कितनी आबादी है, उसके बाद हम अपने संसाधनों पे, अपने नौकरियों पे, अपने लिए अवसरों पे हम अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनोज यादव जी। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। लगातार हम लोग बात आने वाले गठबंधन की कर रहे हैं, किस तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर तमाम विपक्षी दल साथ आएंगे, किस तरीके का गठबंधन तैयार होगा, गठबंधन की क्या सूरत क्या सीरत होगी। हालांकि तस्वीरें 23 जून को साफ होंगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि वहां पहुंच के तस्वीरें दिखाएं तमाम चीज़ों की। तो 23 जून के बाद काफ़ी चीज़ें साफ होंगी, क्या गठबंधन, कौन सी पार्टियां किस बिंदुओं पर सहमत हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में ख़त्म कर रहा हूं, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।